अब मंत्री बनने के बाद भी अतिरिक्त कोई खतरे तो है नहीं, हम तो किसानों के काम करते हैं, तो किसान के काम करने वालों के लिए क्या खतरा है? हम तो कोई गृह मंत्री है नहीं कि हमको कोई ऐसे काम करना है जिसके चलते बहुत सिक्योरिटी चाहिए, हमको जितना है वही काफ़ी है हमारे लिए। और लोग आते जाते रहते हैं, अब मैं उनका बहुत ध्यान नहीं रखता कि कब आए कब गए क्या किए, लेकिन उतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जब आप बिहार के दौरे पर जाएंगे, जिलों में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि और सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी आपको? बहुत ज़रूरत तो नहीं लगता, मैं अपने क्षेत्र जाता हूं तो बहुत ज़रूरत नहीं है, एक गाड़ी कोई पुलिस वाले आते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरेशन। कभी किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करते थे और आज बिहार के कृषि मंत्री बन गए हैं सुधाकर सिंह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने मंत्रियों वाली सिक्योरिटी नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। बिहार में मंत्री को अलग से स्कॉट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई खास वजह क्या? मैं जब MLA बना तो हमारे जो नियमों के हिसाब से हमको सिक्योरिटी मिला था, जितनी सिक्योरिटी मिली थी वह पर्याप्त था। अब मंत्री बनने के बाद भी अतिरिक्त कोई खतरे तो है नहीं, हम तो किसानों के काम करते हैं, तो किसान के काम करने वालों के लिए क्या खतरा है? हम तो कोई गृह मंत्री है नहीं कि हमको कोई ऐसे काम करना है जिसके चलते बहुत सिक्योरिटी चाहिए, हमको जितना है वही काफ़ी है हमारे लिए, पर्याप्त है। फिलहाल अभी 3 सुरक्षाकर्मी होंगे आपके पास? जो पहले से मिले हुए हैं वो हैं हमारे पास। विधायक वाले एक दो और लोग आते जाते रहते हैं, अब मैं उनका बहुत ध्यान नहीं रखता कि कब आए कब गए क्या किए, लेकिन उतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जब आप बिहार के दौरे पर जाएंगे, जिलों में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि और सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी आपको? बहुत ज़रूरत तो नहीं लगता, मैं अपने क्षेत्र जाता हूं तो बहुत ज़रूरत नहीं है, एक गाड़ी कोई पुलिस वाले आते हैं, अब उनकी उपयोगिता तो हमको कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन अब वो पीछे जाते हैं कि आगे जाते हैं तो हम तो मना कर रखे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना है वो बहुत है मेरे लिए। चलिए, कह रहे हैं कि जितना है उतना मतलब कि काफ़ी है इनके लिए, लेकिन एक सवाल मेरे लिए है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव के घर के बाहर हर दिन सुबह शाम मेला सा लगा रहता है, लगता है कि नौजवानों की उम्मीद है और जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। इस भीड़ को लेकर क्या कहेंगे कि कब तक वो जो वादे थे वो पूरे होंगे या इसी तरीके से मेला लगता ही रहेगा? जो हमारे वादे थे वो ठोस आधार पर थे, कोई हम लोग ऐसा कोई भी वादा नहीं किया है जो असंभव है, लेकिन जो सवाल 5 साल में सुलझाना था वो हमारे पास मात्र 3 साल का वक्त है, 2 साल नहीं है, उसमें से निकल गया। इसमें भी एक बात को समझना होगा कि कोई चीज़ थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा वक्त का मतलब कि पूरी प्रक्रिया में कितने हमारे पास पद खाली हैं, विभागों से उसका आता है, उसमें फिर रोस्टर क्लियर होता है, फिर इसके बाद हम लोग को विज्ञापन देना होता है, विज्ञापन के बाद परीक्षा और इंटरव्यू, ये थोड़ा प्रक्रिया तो लगता ही है सरकारी नौकरी में 2-4 महीने। और नौजवानों का जो उत्साह है वो हमारा उत्साह वो है कि सरकार बनी है, यह नौजवानों की सरकार बनी है बिहार में, किसानों की सरकार बनी है, यह उत्साह है और लोग आते हैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आते हैं, तो हम लोग उससे चिंतित नहीं है कि कौन लोग आते हैं, स्वाभाविक है कि हम जब काम में आए हैं तो लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि बिहार के किसान जो हैं इन दिनों काफ़ी परेशान हैं सुखाड़ से, नए कृषि मंत्री बने हैं, क्या आश्वासन देंगे किसानों को? देखिए, मैं पहले किसान हूँ, फिर उसके बाद मैं किसानों का मंत्री भी हूँ, और सच है कि यह बिहार में जो बिहार है वह कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की सरकार है, आज की सरकार किसानों की सरकार है, और हम व्यापक पैमाने पर सुविधा हम किसानों को देने का जो वायदा भी किए हैं कि हम जो खेती बर्बाद हुआ है, चूँकि ये कोई बिहार का मामला नहीं है, उत्तर भारत में सूखा है 121 साल का सबसे बड़ा सूखा है, इससे 1901 में आया था सूखा, गंगा के किनारे जितने राज्य हैं इस पार उस पार सभी एकदम खेती बर्बाद की स्थिति में है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो फसलों का नुकसान की भरपाई करेंगे, जहाँ फसल नहीं लगे हैं पड़ती हैं उसका भी हम किसानों को भरपाई करेंगे, और इसके बाद हम अगले खेती के लिए भी हम मदद करेंगे किसानों को बीज खाद के रूप में तमाम हमारे। और अभी जो
सामने खेती है, जो कुछ बचा हुआ है उसमें भी हम बिजली की उपलब्धता 16 घंटा सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग नहरों में पानी कोशिश कर रहे हैं कि अंत तक पहुंच जाए, जो टिल तक कहते हैं उसको, वो भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो लगातार कई स्तरों पे हम लोग काम कर रहे हैं और कई विभाग समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं। चलिए, थे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आने वाले वक्त में किसानों को बड़ी राहत देने जा रहा है विभाग। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।